अगर आपके घर में रोटियां बचती है तो बिल्कुल भी आपको फेंकना नहीं है। एक बार ज़रूर इस तरह से गाइस ये रेसिपी ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है बनाने में, टेस्टी है, यमी है, तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास लगभग 2 रोटियां बची थी, तो मैंने इस तरह से कट किया है। अगर आप थोड़ा सा जो मिक्सी जार है बड़ा सा है, तो आप एज इट इज़ भी रोटियां डाल के बना सकते हैं, बट मेरा सब बहुत ही छोटा है, ख़राब ना हो जाए इसीलिए मैंने इस तरह से कट कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इसका इसको ग्राइंड करना है। टेक्सचर आप देख सकते हैं, बस इसी तरह से करना है। पोहा तो हर कोई जानता है, बस पोहा की तरह ही आपको इस तरह से ग्राइंड करना है। थोड़ा सा बारीक किया तो भी चल जाएगा, देख सकते हैं टेक्सचर। उसके बाद क्या करना है, नींबू लेना है। नींबू मस्ट इंग्रेडिएंट है गाइस, बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके वजह से, खट्टा मीठा। आधा नींबू मैं यहाँ पे निचोड़ रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। देन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं रोस्टेड पीनट का पाउडर, ये लगभग मैंने 2 स्पून लिया है। ये भी नहीं भूलना है, इसका भी एक अलग ही टेस्ट आता है। इन सबको अच्छे से मिलाना है। अगर आपके पास रोस्टेड पीनट है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स करके आपको रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नॉर्मल सी कढ़ाई, उसमें 3 से 4 स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आपको, मेरे पास तो रोस्टेड पीनट नहीं थे इसलिए मैंने कच्चे ही ऐड किए, आपको इस तरह से ऐड करके छोड़ देना है। बाकी का प्रोसेस हमें नॉर्मल करना है, वो अपने आप रोस्ट होने लगेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आप क्यूमिन, जीरा, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें अच्छे से ऐड करना है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप एंड आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं बहुत सारे हेल्दी रेसिपीज़, ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ मैंने अपलोड किए हुए, वो भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड स्पेशली आप वेट लॉस के लिए कोई रेसिपीज़ देखते हो तो वैसे भी मैंने बहुत सारी अपलोड की है, ज़रूर ज़रूर देख लेना। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, ये भी कम ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो है मैंने अनियन काटा है, लंबा लंबा काटा है। प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक आपको भूनना है। देन आपको यहाँ पे टमाटो ऐड करना है। टमाटो वैसे ऑप्शनल है बट वो तो और अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा आता है एंड इसकी वजह से सॉफ्टनेस भी बढ़ता है। जैसे ही टमाटो थोड़ा सा रोस्ट करोगे, ऊपर से थोड़ा सा स्वादानुसार नमक ऐड करना है ताकि ये अच्छे से और ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद, मिलाने के बाद, मिक्सी जार में हमने जो रोटियों को ग्राइंड किया है वो अब हम ऐड करेंगे इसमें। इनको भी अच्छे से मिलाना है एंड ऊपर से थोड़ा सा फिर भी पानी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रोटियां आपके बहुत ही ज़्यादा कड़क है, सॉफ्ट नहीं बनी है, तो आप ऐड कर सकते हैं। मेरी तो वैसे तो रोटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी अभी तक, इसीलिए मैंने ये नहीं पानी ऐड किया इसमें। और वैसे तो हर 1-2 दिन में ये रेसिपी मैं बनाती हूँ घर पे, बहुत ही ज़्यादा यूज टू रेसिपी है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड करना है, ये भी मस्ट मस्ट इंग्रेडिएंट है। इसके वजह से टेस्ट तो अच्छा आता ही है, स्मेल भी अच्छा आता है, बट ये रेसिपी इनकम्प्लीट है विदाउट धनिया, सो बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। अब तो ये रेसिपी रेडी है गाइस, बहुत ही यमी लगती है और ये आप दही के साथ खा सकते हैं, दही नहीं है तो भी चल जाएगा। यहाँ पे मैं फ्रेश नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। ये डाल के आपको ना 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ना है ताकि ये जो कोकोनट का स्मेल है ना अच्छे से इसमें मिल जाता है एंड टेस्ट हो, स्मेल हो, बहुत ही अच्छा आता है इसका। वैसे आप ऑप्शनल है, ये स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो ये रेडी है गाइस लगभग। अब मैं इसको एक डिश में ट्रांसफ़र करने जा रही हूँ, ऊपर थोड़ा सा सेव हो या और चीज़ें जैसे लेमन हो, धनिया हो, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सो ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी किस किस को पता है एंड किसने ट्राई किया है, या डे टू डे लाइफ में जो बनाता है हर 2 दिन में वगैरह, तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी के भी मेरे सारी वीडियोस आप देख ज़रूर देख लेना गाइस। सो थैंक